بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد قال النبي صلى الله عليه وسلم من بنى لله مسجدا بنى الله له بيتا في الجنه او كما قال عليه الصلاه والسلام। आज के इस प्रोग्राम के सदर मोहतरम मुफ्ती हामिद ज़फ़र रहमानी साहब, दीगर उलमाए किराम, हुफ्फाज़ एज़ाम, हाज़रीन मजलिस, हमारी शरीयत में मस्जिद की तामीर एक बहुत ऊंचा अमल है और ये अमल अल्लाह के नज़दीक बहुत पसंदीदा अमल है। वजह उसकी यह है कि ये अमल अल्लाह के घर की तामीर है। हमारा घर है, अगर कोई हमें बना करके देगा, हमारा घर बनाने में हमारी मदद करेगा, हमारा ताऊन करेगा, तो हमें कितनी खुशी होगी। अल्लाह ताला बेनियाज है, कायनात में किसी मखलूक का मोहताज नहीं है। बिला शिरकत गैरे इस पूरी कायनात का निजाम अल्लाह पाक चलाते हैं और इस कायनात के निजाम के चलाने में अल्लाह ताला को किसी किस्म की थकन नहीं होती। बगैर किसी थकान और बगैर किसी ताप के अल्लाह पाक इस कायनात के निजाम को चलाते हैं और हम सब का इस बात पर ईमान है कि हमारे पैगंबर ने हमें इस बात को की खबर दी कि अल्लाह ताला ने ये कायनात बनाई, 5-6 दिनों में ये पूरी कायनात अल्लाह पाक ने बनाई। इसमें अल्लाह ताला की क्या हिकमत व मसलहत थी अल्लाह बेहतर जानते हैं। शनिचर का दिन ऐसा दिन था जिस दिन अल्लाह ने हफ्ते के 7 दिनों में से एक दिन, जिस दिन शनिचर का दिन होता है, उस दिन कायनात के इस निजाम को बनाने में अल्लाह ने शनिचर के दिन का हिस्सा नहीं रखा था। यही वजह है कि यहूदी ऐसा कहते हैं कि अल्लाह ताला ने 6 दिन में कायनात बनाई, ये दुनिया बनाई, तमाम मखलूकात को पैदा किया, तो शनिचर को अल्लाह ने आराम किया, इसलिए उनके नजदीक शनिचर का दिन हफ्ते के दिनों में सबसे अफजल दिन है। ईसाइयों के नजदीक इतवार का दिन हफ्ते के दिनों में अफजल दिन है। आज दुनिया में उनकी अक्सरियत है, इसकी वजह से पूरी दुनिया का निजाम जो बना हुआ है कि वो इतवार के दिन छुट्टी रहेगी। शनिचर का दिन यहूदियों के नजदीक अफजल है, ईसाइयों के नजदीक इतवार का दिन अफजल है। हमारे यहां शरीयत मुहम्मदिया में जुमा का दिन अफजल है और हमारे आका ने इस बात की हमको खबर दी कि यही दिन अल्लाह के नजदीक हफ्ते के दिनों में सबसे अफजल है। इसका इंतखाब भी मुसलमानों ने बाहमी मशवरे से किया था। एक हदीस में आता है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खबर दी कि हम आए तो सबके बाद, यहूदी पहले आए, फिर ईसाई आए, फिर हम आए, हमारे बाद कोई उम्मत नहीं आएगी, हम सब सबसे आखिर में आए, लेकिन अल्लाह ने हमको सबसे आगे रखा कि हम जुमा के दिन को पसंद करते हैं, अल्लाह के नजदीक भी ये पसंदीदा दिन है। हमने हफ्ते के दिनों में जुमा के दिन का इबादत के लिए इंतखाब किया, अल्लाह ने भी इसी दिन को हमारे लिए मुतय्यन किया था, तो ये दिन शनिचर इतवार से पहले है, तो जुमा का मुबारक दिन है और अल्लाह ताला ने ये पूरी कायनात बनाई तो जुमा का दिन आखिरी दिन था।
इस दिन तमाम मखलूकात पैदा की जा चुकी थी, वजूद में आ चुकी थी, और इन तमाम मखलूकात के जमा होने का ये दिन है, इसीलिए इस दिन को जुमा भी कहा जाता है। उलमा ने इस तरह तफसीर की किताबों में लिखा भी। तो अल्लाह ताला ने ये पूरी कायनात बनाई है। अल्लाह पाक अपना घर भी बना सकते थे कि नहीं बना सकते थे? जब इतना बड़ा आसमान अल्लाह ने बनाया, इतनी बड़ी जमीन अल्लाह ने बनाई, और इस बड़े आसमान के अंदर अल्लाह बेहतर जानता है, चांद जैसे, सूरज जैसे, ना जाने कितने सितारे हैं जो चांद और सूरज से भी बड़े हैं। ये जमीन सूरज से बहुत छोटी है जिस पर हम और आप। जब इतनी बड़ी बड़ी मखलूकात अल्लाह पाक ने पैदा की है, अल्लाह को कुदरत है, तो अल्लाह ताला अपना घर भी बना सकते थे। अल्लाह के लिए कुछ भी मुश्किल नहीं था, बल्कि कुरान करीम तो हमें ये बताता है अल्लाह ताला की कुदरत के, इज़ा क़ज़ा अमरन फ़इन्नमा यकूलु लहू कुन फ़यकून। जब अल्लाह ताला किसी चीज के वजूद का फैसला फरमाते हैं, तो अल्लाह ताला का सिर्फ ये कह देना कि हो जा, वो काम हो जाता है। तो मस्जिद भी बन सकती थी, जैसे पूरी दुनिया में अल्लाह ने जगह जगह पहाड़ बनाए, जगह जगह पहाड़ बनाए, छोटे पहाड़, बड़े पहाड़, ऊंचे पहाड़, फैले हुए टीले अल्लाह ने बनाए। तो जब इतनी बड़ी बड़ी मखलूकात अल्लाह ने खुद जमीन पर बनाई, तो जमीन पर अल्लाह मस्जिद भी बना सकता था। और जाहिर बात है, अल्लाह बनाता तो वो कैसी होती? अल्लाह की शान और कुदरत के मुताबिक होती। लेकिन अल्लाह ने मस्जिद नहीं बनाई, अपना घर नहीं बनाया, सिर्फ बैतुल्लाह के मुताल्लिक ये बात आती है, काबतुल्लाह के मुताल्लिक ये बात आती है कि सबसे पहले काबा अल्लाह के अमरे कुन से बना था, फिर उसके बाद हजरत फरिश्तों ने बनाया, फिर हजरत आदम ने बनाया, इस तरह की तारीख मिलती है। लेकिन दुनिया भर में जहां जहां मस्जिदें बननी है, अल्लाह ने वो जगह मुतय्यन कर दी। अभी मैंने पूछा कि मस्जिद कहाँ बनेगी, बताया कि यही पहिया है। तो मैंने पूछा कि ये पहिया कब बनाया गया, तो बोले ऐसा ही लिया गया। अब जाहिर बात है, ये जगह, ये प्लाट किसी का था और उसका अपना कुछ प्रोग्राम होगा, इसीलिए उसने उस पर तामीरी काम किया कि पहिया वगैरह डाली। लेकिन हर चीज का एक मुकद्दर होता है, नसीब होता है। जमीन के इस टुकड़े का, इस प्लाट का ये नसीब था कि यहां पर अल्लाह का घर बनेगा। पहले ये खाली जगह थी, फिर किसी ने ये जगह खरीदी, खरीदने के बाद जो है फिर इसका लेआउट किया, लेआउट करने के बाद, गिनछेती करने के बाद प्लाट गिरा करके बेचा, किसी ने प्लाट खरीदा, हो सकता है किसी ने खरीदा हो, फिर उससे खरीदा गया हो, कई लोगों ने खरीदा हो, लेकिन किसी ने इस पर घर नहीं बनाया, कारखाना नहीं बनाया, कोई तामीर नहीं की। इस जमीन के इस टुकड़े का नसीब था कि यहां अल्लाह का घर बनेगा। फिर किसी ने इस प्लाट को खरीदा मस्जिद के लिए, मस्जिद को वक्फ कर दिया। अब यहां पर इंशाअल्लाह मस्जिद तामीर होगी। तो ये जमीन का इस टुकड़े का ये नसीब था कि यहां अल्लाह का घर बनेगा। और भी दुनिया भर में जहां जहां मस्जिदें बननी है, वहां वहां फैसला अल्लाह पाक का नाफिज है। ऐसा भी होता है कि कहीं घर बन चुका हो, बाद में फिर उस पर मस्जिद बनती, ऐसा भी होता है। और ये है कि एक मर्तबा जहां मस्जिद बनी और उसे मस्जिद शरी की हैसियत हासिल हो गई, फिर कयामत तक वो जगह शरी तौर पर मस्जिद ही रहेगी, उसकी हैसियत को बदला नहीं जा सकता, ना उसे कोई खरीद सकता है, ना उसे कोई बेच सकता है। जब ये जगह वक्फ कर दी गई, तब ये इंसानों की मिल्कियत से निकल करके अल्लाह पाक की मिल्कियत में चली गई। अब जाहिर बात है, अल्लाह पाक तो कोई चीज बेचते नहीं है, अल्लाह पाक कोई चीज बेचते नहीं है।
कि अल्लाह पाक फिर ये जमीन का टुकड़ा बेचेंगे कि चलो कोई खरीदो और खरीदो फिर क्या बनाने का बनाओ, ऐसा नहीं। हाँ अल्लाह खरीदते हैं, कुरान करीम में है इन्नल्लाह अश्तरा मिनल मुमिनीना अनफुसहुम व अमवालहुम बिअन्न लहुमुल जन्ना। अल्लाह ताला ने ईमान वालों से उनकी जान और उनके अमवाल को जन्नत के बदले में खरीद लिया। अब जाहिर बात है ये प्लाट किसी की मिल्कियत थी, जब इन्होंने अपने पैसों से खरीदी और इसे अल्लाह के लिए वक्फ कर दिया तो जाहिर बात है जब यहाँ अल्लाह का घर बनेगा तभी अल्लाह की मिल्कियत में चला जाएगा और कयामत तक इंशाअल्लाह मस्जिद रहेगा और लोगों के सज्दों से इंशाअल्लाह आबाद भी रहेगा। बहुत कम ऐसा होता है कि मस्जिदों को जुल्मन छीन लिया जाए और उस पर अल्लाह का घर खत्म करके कुछ और बना दिया जाए। शाज़ो नादिर होता है, जैसे बाबरी मस्जिद के मुतालिक हुआ। हिंदुस्तान की तारीख में अलल ऐलान अगर किसी मस्जिद को इस तरह तोड़ा गया, शहीद किया गया, छीना गया और उस पर जो है बजाय मस्जिद के मंदिर तामीर किया गया, ये कैसे हुआ और कैसे क्या क्या उसके लिए प्लानिंग की गई सबको मालूम। लेकिन मंदिर बनने के बाद भी वो जगह मस्जिद ही रहेगी, शरण उसकी हैसियत नहीं बदलेगी। आप पूरी दुनिया में उलमाए किराम से पूछ लो कि पहले मस्जिद थी तोड़ करके मंदिर बना दिया गया, तब ये जगह क्या मस्जिद नहीं है? हर जगह से आपको यही जवाब मिलेगा कि ये मस्जिद है, मस्जिद थी, मस्जिद है, मस्जिद रहेगी, चाहे वहां पर कुछ भी किया जाए। ऐसे बजाय नमाज पढ़ने के वहां पर शिर्क किया जाएगा लेकिन वो जगह मस्जिद ही रहेगी। शिर्क सबसे बड़ा गुनाह है और अगर वो शिर्क मस्जिद में किया जाए और वो शिर्क काबतुल्ला में किया जाए तो उसकी शनाअत, उसकी बुराई और ज्यादा बढ़ जाती। जैसे हम लोग दुनियावी बातचीत करते हैं, मस्जिद के बाहर कोई हरज नहीं, हम करते हैं, कोई गुनाह नहीं है, लेकिन यही बात हम मस्जिद में नहीं कर सकते दुनियावी बातचीत। हदीस पाक में आता है कि अगर मस्जिद में दुनियावी बातचीत की जाए, मस्जिद में दुनियावी बातचीत की जाए तो यह बहुत बड़ा गुनाह है, बहुत बड़ा गुनाह है, मना किया गया है। हत्ता के मोतकिफ को जरूरतन इसकी इजाजत दी गई है कि अगर कोई मस्जिद में मोतकिफ है, एहतिकाफ की नियत के साथ ठहरा है तो जरूरत के बकदर बात कर सकता है दुनियावी, वरना दुनियावी बातचीत की मस्जिद में इजाजत नहीं है। चे जाए कि मस्जिद में शिर्क किया जाए, बुत परस्ती की जाए, ये तो बहुत बड़ा गुनाह है। लेकिन जाहिर बात है आज कानून का गलत इस्तेमाल करके और गलत फैसला कोर्ट से लेकर के आज हम पर एक फैसला लाद दिया गया है और हमारी जो इसमें मजबूरी है या माजूरी है वो अल्लाह जानता है। तो अल्लाह अगर चाहता तो जिस तरह इस कायनात को बनाया, इसमें बेशुमार मखलूकात पैदा फरमाई, मस्जिद भी अल्लाह पाक बना लेते और अल्लाह के लिए कुछ भी मुश्किल नहीं था। लेकिन अल्लाह पाक ने जन्नत बनाई तो उसको भी भरने का वादा किया, जहन्नम बनाई तो उसको भी भरने का वादा किया। मुस्लिम शरीफ की रिवायत है कि जब हिसाब व किताब से अल्लाह फारिग हो जाएंगे और कोई किसी का मसला बाकी नहीं रहेगा, सारे जन्नती जन्नत में, सारे जहन्नमी जहन्नम में डाल दिए जाएंगे, तो फिर हदीस पाक में आता है कि मौत को लाया जाएगा जन्नत और जहन्नम के दरमियान और उसे मेंढे की शक्ल दी जाएगी और मौत को जीबा कर दिया जाएगा। जैसे हम लोग मेंढा जीबा करते हैं
ऐसे उस मेढे को जीबा कर दिया जाएगा और सारे जन्नतियों को सारे जहन्नमियों को हुक्म होगा कि सब देखो, तो सारे जन्नती देख रहे होंगे और जब देखेंगे कि मौत को मौत आ गई, मौत को मेंढे की शक्ल देकर उसी को जीबा कर दिया गया, अब कोई मरेगा नहीं, तो जन्नती बेपना खुश होंगे कि अब तो हम जन्नत में हैं और अब मरना भी नहीं है, हमेशा जिंदा रहेंगे और जन्नत में रहेंगे, उन्हें बेपना खुशी होगी। और जहन्नमियों को सबसे ज्यादा सदमा होगा कि अब मौत नहीं है, अब जो अजाब है जिंदगी भी हमेशा की है, अजाब भी हमेशा का है। तो अल्लाह ने जहन्नम को भरने का वादा किया, सबके हिसाब व किताब से फारिग होने के बाद जहन्नम से अल्लाह पाक पूछेंगे, कुरान करीम में है यौम नकूलु लिजहन्नम, अल्लाह पाक फरमाते हैं कि उस दिन हम जहन्नम से कहेंगे हलिम तलाती, क्या तू भर गई, तो जहन्नम जवाब देगी हल मिन मजीद, मैं अभी भरी नहीं हूं, जगह बहुत खाली है, भेजो और लोगों को। और अल्लाह का वादा है जहन्नम को भरने का। हदीस पाक में आता है कि जहन्नम कैसे भरेगी, अल्लाह पाक अपना कदम रख देंगे जहन्नम में, जहन्नम भर जाएगी और चरचराने लगेगी। हदीस के अल्फाज हैं, जहन्नम से आवाज आएगी कत कत कत, जैसे चारपाई पर उसकी ताकत से ज्यादा बोझ डाल दिया जाए तो वो भी चरचराने लगती है, आवाज देने लगती है। इसी तरह जहन्नम आवाज देगी कि बस बस भर गई। जन्नत को भी अल्लाह पाक भरेंगे, और जन्नत को भरने के लिए जो सिलसिला शुरू होगा, अजीब व गरीब तफसील है उसकी, मौका नहीं है उसको बयान करने का कि अल्लाह पाक जन्नत को कैसे भरेंगे। होते होते यहां तक आएगा कि अगर कोई बीमार होगा, दुनिया में तुमने उसकी इयादत की, कल कयामत में अल्लाह की बारगाह में खड़ा होगा, कहेगा मैं बीमार था, ये मुझे देखने आया है, इसके हक में मेरी सिफारिश कबूल कर ले, अल्लाह कबूल कर लेंगे। एक बीमार की इयादत पर अल्लाह जन्नत दे देंगे, एक जरूरतमंद को कपड़ा पहनाने पर अल्लाह जन्नत दे देंगे, एक परेशान हाल की परेशानी दूर करने पर अल्लाह जन्नत दे देंगे, ऐसे मामूली मामूली आमाल पर। जन्नत की तामीर भी उन्हीं असबाब में से एक सबब है कि जो लोग दुनिया में मस्जिद बनाएंगे अल्लाह उनको जन्नत में ठिकाना देगा। हजरत उस्मान गनी रजी अल्लाह तआला अन्हु की रिवायत है कि जो शख्स अल्लाह को राजी करने के लिए मस्जिद बनाएगा, तामीर करेगा, अल्लाह ताला जन्नत में उसका ठिकाना रखेगा। तो इंतहाई ऊंचा अमल है, और जन्नत में जाने का इंतहाई मुअस्सिर और यकीनी अमल है। शर्त यह है कि मस्जिद की तामीर में दिखावा, नामो नमूद, शोहरत का जज्बा, रियाकारी ना हो। अल्लाह को राजी करने के लिए मस्जिद की तामीर में हिस्सा लिया गया हो, अल्लाह ताला का वादा है, हमारे नबी ने खबर दी है कि अल्लाह ताला उसे जन्नत में महल अता करेगा। आज मस्जिद आसमा मुर्तुजा का संगे बुनियाद का ये अमल है और तकरीब है। एक मुसल्ले की कीमत 12,000 है लागत, एक मुसल्ले की लागत उसका इस्टीमेट 12,000 रुपया। उसके बाद इन्होंने तफसील दी है कि एक स्क्वायर फीट 1500 रुपया, स्टील 7,000 किलो लगेगा, एक किलो की कीमत 65 रुपया, ईंट 40,000 लगेगी, एक ईंट की कीमत 7 रुपया, खड़ी 20 बरास लगेगी, एक बरास की कीमत 2500 रुपया, सीमेंट 1200 गोनी लगेगी, एक गोनी की कीमत 350 रुपया, रेती 50 बरास, एक बरास की कीमत 5000 रुपया, और मजदूरी तकरीबन 9 लाख रुपया, 10 लाख रुपया मजदूरी। जाहिर बात है कोई एक शख्स मस्जिद नहीं बनाएगा। आज ये प्रोग्राम जो रखा गया है उसकी गर्ज व गायत ही यही है कि मस्जिद के इस नेक अमल में जब उसे टीकम लगा करके आगाज करना है, हम सभी लोगों की शिरकत हो जाए,
ये अमली शिरकत है, लेकिन जाहिर बात है सिर्फ हमारे आ जाने से मस्जिद बन जाएगी ऐसा नहीं है। अगर ऐसा होता तो अभी हम लोग आते और ऐसे देखते मस्जिद खड़ी हो जाता। तो सिर्फ हमारे आने से मस्जिद नहीं बनेगी, अब हम आए हैं तो ये मस्जिद बने उसके लिए हमें ताउन करना होगा, और यही ताउन मस्जिद की तामीर कहलाएगी, और यही अमल हमें जन्नत में ले जाने का जरिया बनेगा। अब जिस आदमी की जो हैसियत हो अपनी हैसियत के मुताबिक हिस्सा ले, आनन फानन एक दिन या एक रात में तो मस्जिद बननी नहीं है, इसकी तामीर में जो भी वक्त लगेगा 6 महीना साल भर का वक्त लगेगा। आज जो हम अपना ताउन देने का इरादा करेंगे, नियत करेंगे, लिखवा देंगे, हमें आज पूरा पैसा आज नहीं देना है, ये मस्जिद बनती रहेगी। आप जो ताउन लिखवा देंगे, आप वो ताउन ला करके अपने सहूलत से आप देते रहे। एक मुसल्ले की कीमत इस्टीमेट लागत 12,000 रुपया है, बताएं कौन लोग जो है मुसल्ले की लागत देने के लिए तैयार है। बोलो, बताएं भाई नामों का इजहार करें। हमारा घर हम बनाते हैं, हमेशा नहीं रहते, मर जाते घर छोड़ के चले जाते, या जिंदगी में बेच देते दूसरी जगह बना लेते। कभी ऐसा भी होता है कि आसमानी सुल्तानी कोई मुसीबत आए तो घर खत्म भी हो जाता है। फारूक मुकदम साहब, फारूक एक मुसल्ला है, आबिद साजिद इशाती साहब, 100 गोनी सीमेंट, अल्लाह ताला बहुत बहुत कबूल फरमाए। बोलो भाई बोलो, टाइम कम है। अच्छा, लईक सर साहब जो जिनकी वालदा के नाम से मस्जिद आसमा मुर्तजा है, 2 लाख रुपया देंगे इंशाल्लाह, अल्लाह ताला बहुत बहुत कबूल फरमाए। अकील अहमद साहब एक मुसल्ला, अल्लाह कबूल फरमाए। मुजाहिद अख्तर जी, और बताए भाई। कारी मोहम्मद सलमान साहब दारुल इतामा, एक मुसल्ला, अल्लाह कबूल फरमाए। नाम महमूदुल हसन साहब, एक मुसल्ला, अल्लाह कबूल फरमाए। आमीन। और बोलो भाई जी, ये देखो क्या बोलो, सईद अहमद, एक मुसल्ला, अल्लाह कबूल फरमाए। पता भी लिख लीजिए, आधा एड्रेस मोबाइल नंबर वगैरह। पता क्या है जी, बताए भाई। आओ तैयब पलंबर साहब एक